कहानी सुनी। ये कोई किताबों की कहानी नहीं, हकीकत है। वो आपसे शेयर करना चाहूंगी, आपसे बताना चाहूंगी, आपके आरकीपुरम का ही बात है। आरकीपुरम में एक ऐसा कैंप है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि आप खुद ही समझ जाएंगे। उस कैंप में 2 दिन पहले हमारे कांग्रेस की कुछ वर्कर्स, कांग्रेस की कुछ महिलाएं गए प्रचार करने के लिए। लेकिन उस कैंप के जो निवासी हैं वो हमें कांग्रेस के वर्कर्स को वहाँ घुसने नहीं दिया। ये कहा कि ये कैंप जो है किसी और दूसरे प्रत्याशी का नाम लेकर कहा, ये उनके गढ़ हैं, यहाँ आपका दाल नहीं गलने वाली हैं, आप लोग जाइए। लेकिन हमारी प्रत्याशी, उनको तो जाना ही था कैंपेन करने के लिए, तो हर जगह हम पहुँच ही जाते हैं। प्रियंका जी जब वहाँ पहुँचे, शाम की वक्त थी, बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे और उस बच्चों ने प्रियंका जी को पहचान ली। कैसे पहचानी? ये नहीं पहचाने कि ये कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, इस तरह से पहचाने कि ये जो दीदी हैं, ये दीदी बहुत सालों से, बहुत महीने से जब यहाँ से गुजरती हैं तो हमारे साथ रुक के बात करते हैं, हमें बिस्किट खरीद के देते हैं, हमें चॉकलेट्स देते हैं, हमें गर्म कपड़े देते हैं। ये वो दीदी हैं, राजनीति से उन बच्चों का कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक दीदी जो बहुत सालों से उनका साथ एक रिश्ता है, दिल का रिश्ता, वो दीदी के हिसाब से पहचान लिए। वो बच्चे लोग प्रियंका जी को हाथ पकड़ कर कैंप के अंदर ले गए, अपने मदर को बुलाए, अपना पेरेंट्स को बुलाए। उन्होंने कहा कि ये दीदी जो है, ये दीदी को आप लोग वेलकम करो। तो जहाँ सुबह हमारे वर्कर्स को उस कैंप में घुसने नहीं दिया, वहाँ शाम को जब प्रियंका जी गए, इन बच्चों की खातिर प्रियंका जी को उनको पगड़ी पहना के स्वागत किया गया। अरे यहाँ भी पहुंच गए आप लोग। ये देखिए, ये है एक्चुअल फैन फॉलोइंग। देखिए प्रियंका जी के बारे में ये बात, ये कहानी मैंने सुना, मुझे आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि प्रियंका जी इसी तरह की एक कार्यकर्ता है और एक लीडर है। लीडर मैंने बोलूंगी, कार्यकर्ता हैं कि जो बिल्कुल चुपचाप पीछे रह के काम करती हैं, कोई प्रचार नहीं करती, तो चुपचाप इतने सालों से वो जो काम किया उसी वजह से इन बच्चों की प्यार उनको मिला और उन बच्चों की वजह से उनकी माँ बाप की प्यार और आशीर्वाद इनको मिला। तो ये है आपके प्रत्याशी। आप सभी से अनुरोध है कि प्रियंका जी को आप लोग एक बार मौका दीजिए। वो बहुत सालों से इस वसंत बिहार में रहती हैं, यहाँ काम कर रही हैं, यहाँ अलग अलग झुग्गी झोपड़ियों में काम कर रहे हैं, अपना प्रचार कभी नहीं किया। लेकिन अभी इलेक्शन का वक्त है और देखिए ये तो प्रचार के जमाने हैं। आप लोग अगर अखबार खोलेंगे तो देखेंगे कि हर रोज हर अखबार में, हिंदी हो या अंग्रेजी हो या गुजराती हो या तमिल हो, हर अखबार में केजरीवाल जी और मोदी जी का 3-3, 4-4 पेज फुल पेज एडवर्टाइजमेंट है या नहीं? और वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो सरकार का पैसा है। वो केजरीवाल जी अपना जेब से पैसा खर्च करके नहीं दे रहे हैं, वो जो टैक्स पेयर है, हम लोग जो पैसा देते हैं सरकार को टैक्स के हिसाब से, वो पैसा खर्च करके प्रचार कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस प्रचार से ज्यादा काम करते हैं। पिछले शीला दीक्षित जी के सरकार में कांग्रेस सरकार ने जो काम किया उसके लिए हमें विज्ञापन देने की जरूरत नहीं पड़े। आप घर से बाहर निकलेंगे तो वो काम आपको दिखाई देगी, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स, बड़े बड़े रास्ते, बड़े बड़े मेट्रोस। यहाँ बहुत सारे महिलाएं बैठे हुए हैं, महिलाओं के लिए दिल्ली आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा असुरक्षित नगरी बन चुकी है। महंगाई एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। बहन जी आप जरा बताइए, प्याज का भाव कितना है? 100 से भी ऊपर ज्यादा है या नहीं? टमाटर का भाव कितना है? 50 क्या? अभी तो बहुत ज्यादा हो गया है। तो प्याज, टमाटर, सब्जियां, इस तरह की चीजें, दाल, इस तरह की जो फूड है, जो खाने का चीजें हैं, इसका जब भाव बढ़ता है, बिल्कुल आसमान छू लेते हैं, तो सबसे ज्यादा परेशानी किसको होता है? महिलाओं को।
महिलाओं को, क्योंकि हमें घर चलाना पड़ता है, हमारा बजट लिमिटेड होता है, हम अपना परिवार को भूखा नहीं रख सकते, हम खुद भूखे रहते हैं लेकिन परिवार को भूखा नहीं रख सकते। इसलिए ये सारे जो चीजें हैं, कीमत कम करने की जिम्मेवारी किसका है? सरकार के है। सरकार कौन है? दिल्ली में केजरीवाल है, केंद्र में मोदी सरकार है। दोनों के दोनों बहुत बड़े बड़े वायदे करके चुनाव जीते या नहीं, लेकिन आज समय है महिलाओं को, मेरे बहनों को, उनसे पूछने का। आप उनको पूछिए कि कहाँ जो सुरक्षा का बात करते थे, आज सुरक्षा, महिलाएं इतना दिल्ली में असुरक्षित क्यों है कि प्रधानमंत्री की खुद की भतीजी का जो पर्स है वो छीना जाता है। आज महंगाई इतना जबरदस्त, कमर तोड़ महंगाई है, तो गरीब जो जनता है वो खाना कहाँ से खाएंगे? तो इसलिए आप दोनों से, आप सबसे अनुरोध है, ये दोनों के दोनों जो सरकार हैं, इनके झूठे वायदे से मत भूलिए। कांग्रेस सरकार का पास अनुभव है, काम करने की ट्रैक रिकॉर्ड है, और प्रियंका जी का बात मैंने आपको बताया कि किस तरह से चुपचाप वो अपना काम करती हैं। आपको बहन को, आप लोगों का जो ये बहन है, आपके प्रत्याशी हैं, उनको एक मौका दीजिए, एक मौका दीजिए दीजिए, और देखिए किस तरह से आप लोगों का साथ, वो पहले भी काम करती आई हुई है और किस तरह से काम करेगी। आप लोगों से यही प्रार्थना है, और खासकर जितने बहनें बैठे हुए हैं, ये बहनों को मैं अनुरोध करूंगी कि आपको घर वालों का समझाना आपका काम है या नहीं? जरा दोनों हाथ खड़े करके बोलिए, प्रियंका जी को वोट देंगे या नहीं? दोनों हाथ खड़े करके। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय कांग्रेस।